लॉगिन होते हैं सारे टीचर्स, कोई 15 16 करते हैं। अच्छा चलो अब तो कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ पे थे कि हमने गैलरीज को थोड़ा सा एडिट करना था। तो मैंने इसके साइज एक्चुअली मेन ऑप्शंस हमारे पास ही सारे गैलरी के हैं, थीमिंग ऑप्शंस किया है, विड्थ किया है, सेंटर लाइंस ठीक है, एडवांस ऑप्शन वगैरह हैं। तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ, ये सेव। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको देखता हूँ कि मेरे पास मेरे कुछ इमेजेस शिमेजेस वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे यहाँ पे। मिनट, यहाँ पे कुछ नहीं आया, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, इसको आना चाहिए मुझे इसको। जी मैं आपको बताता हूँ डुप्लीकेट रस किया होता है। इस पे मैं आते हैं, किसी टीचर का भी और कभी क्वेश्चन था मैं आपको आता हूँ। हाँ अच्छा एक मिनट, मेरे पास कोड क्यों नहीं आया वहाँ पे, मैं दोबारा आता हूँ। अच्छा मैं अप्लाई करता हूँ और इसके बाद शायद मैंने अपडेट नहीं किया इसको। मुझे अपडेट करने दे कि चीज़ें अपडेट हो जाए, और इसको अपडेट करता हूँ कि मेरी चेंजेस इफेक्ट हो जाए। तो अब अगर मैं गैलरी पे जाता हूँ, ये देखिए मेरे पास मेरी गैलरी यहाँ पे आ गई है। तो अभी इस मुसीबत से भी बढ़ता हूँ, पता नहीं किस तरह रिमूव कर। ये देखें तो मेरे पास मेरी गैलरी वगैरह जो है यहाँ पे आई हुई है। यहाँ पर देखें तो अभी हमारे पास अच्छा, अब हमने एक्चुअली ये क्या है, पता नहीं जी सर। अच्छा सर, ये मैंने आपको उस टाइम भी बता दिया कि देखिए हमने जो है ना एक्चुअली प्लगइन्स होता है, क्या करना है हम, मैं दोबारा से स्टार्ट से आपको बता दूं। देखिए सर, अगर फॉर एग्जांपल्स आपने कहीं पे पेज पे कोई डायनामिक कंटेंट्स होते हैं, डायनामिक कंटेंट मीन ना कि आपको कुछ ऐसे कंटेंट्स चाहिए जो आपके पास एक तो पेज बनाना होता है। अब अगर आपके पास ऐसा पेज सिंपल बनाना है, आपको कोई गैलरीज चाहिए, कोई इवेंट्स कैलेंडर आपको चाहिए अपने पेज में, कुछ और तरह का चाहिए, तो फिर वो ये होता है कि वो एक सेपरेट प्लगइन होता है कि आपको वो एलिमेंटर्स में नहीं मिलता। तो मैंने सिंपली किया क्या कि मैं यहाँ पे गया ये उस पे वर्डप्रेस पे ना सर्वर पे, मैंने प्लगइन्स पे गया, मैंने एक प्लगइन्स आपके सामने जो था एक प्लगइन डाउनलोड किया। एक्चुअली मैं दोबारा उसको जाता हूँ, एड न्यू प्लगइन पे जाके मैंने प्लगइन डाउनलोड किया यहाँ से, ठीक हो गया स्लाइडर्स का, मैंने स्लाइडर जैसे दिया तो कुछ प्लगइन्स आ गए, तो मैंने एक्चुअली इसको डाउनलोड किया स्लाइडर। ठीक है, ये एक्चुअली जो प्लगइन्स अब आए यहाँ पे, तो मैंने एक प्लगइन्स को डाउनलोड किया, इसको मैंने इंस्टॉल किया। जब मैंने इस प्लगइन को इंस्टॉल किया तो मेरे पास देखिए ये मेटा स्लाइडर के नाम से मेरे पास आ गया ये प्लगइन, देखिए बाय मेटा स्लाइडर्स ये आ गया मेरे पास। अब जब ये यहाँ पे मेरे पास आ गया तो मैं जब उस पर गया तो मैंने क्या किया कि एक स्लाइड शो क्रिएट की, स्लाइड शो ठीक है, स्लाइड शो किया है। अच्छा अब मैं आपको क्या करता हूँ ना, मैं आपको एक न्यू स्लाइड शो क्रिएट करके देता हूँ। न्यू स्लाइड शो फॉर एग्जाम्पल, देखिए वो तो ओल्ड स्लाइड शो थी जो हमारे पास ऑलरेडी थी,
यहाँ पर आप हम क्या कर सकते हैं, मैंने पिक्चर्स ऐड की और ये आ गया, लेकिन मैं आपको एक न्यू स्लाइड शो ऐड करता हूँ कि सब आपको समझ आ जाए। देखो मैं न्यू करता हूँ, जब मैं यहाँ पे भी न्यू करूंगा तो आपके सामने मेरे पास कोई स्लाइड इमेज नहीं होगी। देख लिया, न्यू स्लाइड शो, कोई स्लाइड इमेज मेरे पास नहीं है। अब मैं ऐड स्लाइड्स करता हूँ, स्लाइड के लिए क्या क्या मुझे इमेजेस चाहिए। अभी में मेरे ख्याल में सब मैं इस तरह करता हूँ, ऐसे इमेज को ऐड करता हूँ तो स्लाइड शो ठीक हो गया। ये मेरे पास एक आ गया, ये चीज़ें इसमें डिफॉल्ट आती हैं, फिर आप उसको चेंज कर सकते हैं। मुझे न्यू स्लाइड्स एक इमेज चाहिए, मैं कार वाली, ये इमेजेस में दोनों क्रिएट कर सकता हूँ। कंट्रोल पकड़े, नहीं अच्छा नहीं, पहुंच जाता है एड टू स्लाइड्स। अब यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल में मेरे पास दो हो जाएंगी, तो मेरे पास देखिए तीन हो गए, तीन स्लाइड इमेजेस हो गए। अब ये इसके ऑप्शन हैं, 1200, 500 थोड़ा सा बड़ा मुझे लग रहा है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करता हूँ, 400 करता हूँ, ठीक हो गया। इफेक्ट स्लाइड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्लाइड फेड, वो फेड थे, मैं इसको क्या करता हूँ, एरो शो करने से नहीं करने, मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। अच्छा, एडवांस ऑप्शन में ऑटो प्ले ठीक है, लूप है मतलब है कि ऑटोमेटिकली हो, फेड इन वगैरह ठीक है, ये भी है, आप मतलब है रिवर्स जाए ना, दरमियान में फासला कितना होना चाहिए, एनिमेशन स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या होती है, ठीक है। ये कोई कस्टम क्लास वगैरह आपने ऐड करनी, इसके बाद इसको मैं सेव करता हूँ। अब जब मैंने सेव किया तो मैंने क्या किया, मैंने एक्चुअली इसके लिए पेज बनाया था, मैं गैलरी, लेकिन चलो क्योंकि आपने क्वेश्चन किया सर मुझे क्लियर नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ दोबारा पेज बनाता हूँ, इस पेज में नहीं लेता, मैं वर्डप्रेस पे गया, एड न्यू पेजेस ऑल पेजेस। अब मैं क्या करता हूँ एक और पेज ऐड करता हूँ क्विकली आपके लिए, वो पेज क्या है, न्यू पेज, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ स्टाफ, मैं सिंपल पेज ऐड करता हूँ, कोई वो नहीं है कि मैं पब्लिश करता हूँ डायरेक्टली, कंटेंट फिलहाल मैं ऐड नहीं कर रहा, इसको मैं करता हूँ व्यू पेज करता हूँ कि वो वहां पर ऊपर आ जाए, इसी को मैं ऐड करता हूँ एलिमेंटर से। अब ये बिल्कुल ब्लैंक पेज है मेरे साथ, मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें एक्चुअली मैंने करना क्या है, डायनामिकली कंटेंट वहां से जो मेरी गैलरी की है मैंने ऐड कर, अब मैं कंटेनर ऐड करता हूँ, तो कंटेनर के एक्चुअली चूंकि गैलरी फुल पेज होते हैं, तो मैं एक्चुअली बॉक्स के बजाय इसको फुल वेट कर देता हूँ, मेरे पास फुल वेट आए। अब मैंने क्या करना है कि मैं यहाँ पे जो कंटेंट है वो यहाँ से ऐड नहीं कर रहा, जो हमारे पास स्टेटिक कंटेंट्स हैं, मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने गैलरी क्रिएट की यहाँ पे आपके सामने, ये देखिए ये तीन उसमें थे, तो अभी अगर मैं यहाँ से भी कोड ले सकता हूँ वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा शायद आप कंफ्यूज हो, तो मैं उसके होम पेज पे एक्चुअली जाता हूँ, मैं होम पेज पे जाता हूँ। अब ये देखिए ये न्यू स्लाइड्स शो थी जो अभी थोड़ा सा बाद में क्रिएट हुई, पहले वाली स्लाइड्स होती है मेरी, मैंने पहले क्रिएट की, इसका कोड मेरे पास ये है 1424 है, इसको मैं जब क्लिक करूंगा ना ये ऑटोमेटिकली कॉपी कर जाता है। अभी मैं क्या करूंगा इसको, यहाँ पे मैंने क्या करना है, कोड एक यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होता है एलिमेंटर्स में ब्लॉक, उसको पहले ऐड करूंगा, बिकॉज इसमें मैं कोड यूज करूंगा जो स्लाइडर्स का है, मैंने यूज किया अप्लाई किया, तो ये मेरे पास क्या है एलिमेंटर, उसके लिए स्लाइड्स यहाँ पर पेज में अपडेट हो जाएगी। और अब मैं क्या करता हूँ नीचे इसको अपडेट कर देता हूँ, ये मैंने अपडेट किया। अब अगर मैं अपना पेज देखूँ कि ये तो पुराना वाला था, मैं गैलरी वाला, ये तो मैं क्लोज कर, अभी मैं स्टाफ में, तो यहाँ पर जहाँ पर स्टाफ आ रहा है तो यहाँ पर अभी क्योंकि मैंने गैलरी डाली तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरी गैलरी आ जाएगी, ठीक हो गया। ये मतलब आप से अच्छी अच्छी गैलरीज भी डाल सकते हैं, जैसे कैप्शन वगैरह हो, मैंने तो कैप्शन ऐड नहीं किया है ना, तो अभी आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये मेरी गैलरी है, वो देखें यहाँ पर ऐड हो गई है। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ पिक्चर शायद छोटे हैं और मैंने विड्थ हाइट ज़्यादा रखी है, तो शायद उसी की वजह से है, तो हम एक्चुअली गैलरीज में क्या कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। गैलरीज के लिए हमेशा आपको पिक्चर्स क्या चाहिए, थोड़े से बड़े चाहिए, मैं एडिट करता हूँ गैलरीज को। अच्छा, हाइट मैं उसी तरह करता हूँ 500, और यहाँ पर एनिमेशन स्पीड है, हाँ ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है। मैंने सेव किया और इसके पास में अभी अगर आ गया, ये देखिए मेरे पास अभी क्या कर रहा है,
ये प्रॉपरली स्लाइड कर रहा है। और ये देखिए मेरे पास अभी जो आइकन है मेरे, वो प्रॉपर यहाँ पे आ गए, ठीक हो गया। आपके सामने मेरे पास गैलरी जो है वो क्रिएट कर रहे, स्लाइड भी कर रही है पिक्चर्स के। और मैं अभी अगर फॉर एग्जाम्पल ये मुझे आपको नजर नहीं आ रही, छोटी छोटी इमेजेस है इसमें क्लिक कर सकता हूँ। अभी जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए इसका स्पीड वगैरह है, 100% विड्थ है, सेंटर लाइन होगा, ऑटो प्ले है, कंटिन्यूसली लूप है, अगर मैं ऑन करूँ ऑफ करूँ, फेड इन है, रैंडम पोजिशन है। ये फिर इसकी जो स्लाइड डिले होती है, मतलब ये ना कि एक के बाद दूसरा स्लाइड कब आएगा, 3000 मिली सेकेंड होता है। एनिमेशन स्पीड 600 है ना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल करूंगा तो ये 1200 ये चेंज हो जाएगा आपके पास, लेकिन इसके लिए मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास ये हो गए। ये एक्चुअली कुछ हमारे पिक्चर्स खराब है ना, तो इसलिए आपके पास जो तो गैलरीज की ये एरोज हैं ये फिर गलत कर जाते हैं। एक्चुअली गैलरीज के लिए हमेशा थोड़ी सी पिक्चर हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, हाई साइज की होनी चाहिए, कि उसको फिर अपने साथ क्रॉप करके एडजस्ट कर ले। तो ये हमारे पास हो गया स्लाइड शो। मैं से मैं एक और कोशिश करता हूँ जल्दी, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टाइम तो है कम, लेकिन लेट से मैं एक और करता हूँ प्लगइन्स, मैं कोई इवेंट्स कैलेंडर आपके लिए डालता हूँ। अच्छा डायनामिकली मैं थोड़ा सा खैर है ले लूँगा, आदिल साहब का 5-10 मिनट या जमील साहब के हैं, मैं इंस्टॉल प्लगइन पे आता हूँ, नेट थोड़ा अच्छा काम कर रहे हैं तो खैर है आपकी। फिर मैं लास्ट में 5 मिनट में आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ इवेंट्स, इवेंट्स कैलेंडर। अच्छा मैं कोई मतलब है कि कोई भी इवेंट्स कैलेंडर्स में आप डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, कि फॉर एग्जाम्पल मैं डिटेल्स में जाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ किस तरह इवेंट्स का कैलेंडर है, जिसमें मतलब है कि लोग इवेंट ऐड कर सकें, चाहे थोड़ा सा ये बड़ा हो ये सिंपल ना हो, इसमें इवेंट्स होते हैं, चाहे लॉगिन पे ऐड हो, काफ़ी सारे सेटिंग्स हो, लेकिन हम खैर आपको ऐड कर देंगे, 5 मिनट हम ले लेंगे। अच्छा ये देखिए इस तरह का इवेंट्स कैलेंडर है, ठीक है, जबरदस्त है, इंशाल्लाह कुछ करते हो ऐड करते हैं आपको थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पेज दूसरा नहीं बनाऊंगा, मैं इसी पेज को यूज करूंगा, मैं इस गैलरी को डिलीट करूंगा। जो हमारे पास पेज है कौन सा है, ये स्टाफ का है मेरे ख्याल में, ठीक है, पेज थोड़ा सा टाइम लेगा, तो मैं इस तरह करता हूँ कि जल्दी जो है इवेंट्स इंस्टॉल नो इवेंट्स कैलेंडर में इंस्टॉल करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ। थोड़ा सा नेट हमारा अच्छा साथ दे रहा है, तो मैं क्या कर 5-10 मिनट को फुल फुल बना ले। अच्छा ये हमारे पास इवेंट्स कैलेंडर आ गया, इसकी मैंने कहा पुकार भी था कि थोड़ी सी किसी कंफिग्रेशन सेटिंग वगैरह होंगी, तो हम जल्दी इस पे जाते हैं, कुछ वगैरह करते हैं, अगर कुछ तो इंस्टॉल इवेंट्स टिकट्स इवेंट्स ये इवेंट्स इवेंट्स यूआरएल हमारे पास इसका अपना पेज बनेगा, जो एक्चुअली इसका पेज है, तो हम इस पे एडिट करेंगे ये एक्चुअली हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया है, उसकी तो हमें जरूरत ही नहीं है उसको क्या करने की, वो उस पे ऐड करने की लिमिट की पेज, उसने खुद अपना पेज जो है वो क्रिएट कर दिया है इस प्लगइन के, मतलब इस तरह के प्लगइन होते हैं जो तो अभी हम अगर फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले, मतलब ये कुछ ऑप्शन है, अब हम अगर करते हैं ना, एक मिनट यहाँ पे देखना, देखने कहाँ पे आ गया है, डब्ल्यूपी फॉर्म है, ये है, ऐड न्यू इवेंट्स में ऐड करता हूँ कुछ, मतलब एक ये भी एक वो है कि फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स इवेंट। अच्छा कोई ऑल डे इवेंट है मेरे साथ, वेन्यू नेम फॉर एग्जाम्पल है कोहार्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एड्रेस ठीक है, सिटी कोहार्ट, सिलेक्ट कंट्री पाकिस्तान, स्टेट प्रोविंस वगैरह में कोई जिस तरह का ऐड कर देता हूँ जल्दी जल्दी आपके लिए, ग्रेजुएशन डीएल फोन वगैरह छोड़ दे, इंडियन नंबर है, इवेंट गेस्ट वगैरह है छोड़ दे खिलाड़ी को,
और इसको मैं क्या करता हूँ, पब्लिश। तो अपडेट, तो मैं अगर यहाँ पे रन करता हूँ, प्रिंट फॉर पेज नहीं तो इवेंट फॉर पेज है। हाँ, इसमें करता हूँ इवेंट्स। ये देखें, तो आपके सामने मैं एक इवेंट क्रिएट किया डायनामिकली वहां से, तो मेरे पास यहाँ पे आ गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटी है। फॉर एग्जाम्पल इवेंट्स पेज है, मैं इन पे इसकी डिटेल पे जाऊंगा, क्योंकि तो ये वो है। तो अभी अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप यूजर्स हैं, इवेंट्स है यहाँ पे एक्चुअली हो रहा है, ऐड टू कैलेंडर आपने फॉर एग्जाम्पल करना है, आई कैलेंडर करना है, गूगल कैलेंडर करना है, अच्छा तो आप ये सब कर सकते हैं। तो क्या ये हमारे पास सब कुछ था तो आज का। अच्छा, अब हम वापस आते हैं थोड़ा सा। तो मतलब है कि मुख्तलिफ प्लगइन्स के मुख्तलिफ वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि ना। अच्छा, देखिए ये थोड़ा सा छोटा आ रहा है अभी। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इसको पेज को ना एडिट विद एलिमेंटर्स करना है, एडिट इवेंट्स है, तो इसको एडिट इवेंट होगा, एडिट करना है, तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। देखें इस पेज को, कोई भी चीज़ आपने अगर एडिटिंग इस पे करनी है तो आप कर सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया आज इसके बारे में। अब हम क्या करते हैं कि टीचर का क्वेश्चन था कि सर आपने डुप्लीकेटर्स क्या डुप्लीकेटर्स किया होता है। देखिए, डुप्लीकेटर ये होता है कि आप अगर वेबसाइट लोकली काम कर रहे हैं, आपने कोई सर्वर पे अपलोड करनी है चीज़ें, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, वहां पर डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है सर्वर सी पैनल पे। सी पैनल पे जाकर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको फाइल्स अपलोड करने पड़ते हैं, फिर वर्डप्रेस में थोड़ा सी होता है ना, फिर आप वो डेटाबेस में जाके कुछ आपको चेंजेस करनी पड़ती है। आपको मैंने बताया भी था कि डब्ल्यू टी सर, ऑप्शन। जी अच्छा सॉरी, आपका टाइम कंप्लीट हो गया। चलो, इंशाल्लाह फिर जो टीचर का क्वेश्चन था ना, ये हम ठीक करे कल जो है कंटिन्यू करें, ठीक है? हाँ, है, हाँ, डिस्कशन की पीरियड में कल कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत की बात किसी का नहीं। कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो फिर कल के सेशन में होगा। ठीक जी चलो ठीक है, थैंक है, ओके जी, थैंक यू। यू। ठीक है, ओके टीचर्स, अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि प्रेजेंट करेंगे आप लोगों को मोहम्मद जमील साहब मर्दान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो मैंने अपना पहला जो लेक्चर दिया था वो रिलेटेड था लेबर मार्केट से, फिर फ्रीलांसिंग पे बात हो गई, आज हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करेंगे। तो थोड़ा मैं आपका इनपुट भी इसमें लेना चाहूँगा और कुछ अपनी तरफ से भी इसमें ऐड करूँगा कि इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। आपने अगर देखा होगा जो लेबर मार्केट की हम बात कर रहे थे, तो उसमें इस तरह था कि जो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम फुल टाइम जॉब अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जो उसके बाद हमने फ्रीलांसिंग पे बात की, तो फ्रीलांसिंग इस तरह की होती है कि यानी आप उसको एज अ पार्ट टाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या रिमोटली जो है आप उसको जो है यानी यूटिलाइज कर सकते हैं, उससे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो तीसरा हमारा टॉपिक है एंटरप्रेन्योरशिप का, तो ये इस तरह का होता है कि किस तरह एक बंदा अगर जो कि वो ट्रेंडिंग भी है आजकल, ज़्यादातर लोग जो है वो 9 to 5 और इन चीज़ों से या टेक्निकल जो स्किल्स होते हैं वो उसमें इतनी इंटरेस्ट नहीं रखते, और नस्बतन उन चीज़ों के एंटरप्रेन्योरशिप में और बिजनेसेस में ज़्यादा जो है यानी मुनाफा भी होता है, तो लोग इस तरफ ज़्यादा जो है माइल हो रहे हैं, ठीक है।
तो यही इन चीज़ों में मेन डिफरेंसेस है। अभी एंटरप्रेन्योरशिप को थोड़ा आगे लेके चलता है कि क्या चीज़ होती है। तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है, इसमें न्यू आइडियाज़ होते हैं, न्यू बिजनेस स्टार्ट को हम जो है जब हम लेते हैं तो उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। हम इसको प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, मैं अगर कोई और काम भी यानी जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है, और उसके साथ में इसको यानी प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए मैं इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप में जो है, हम इनोवेशन लेके आते हैं। जो एग्जिस्टिंग जो किसी प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है या जो सर्विसेज होती है, हम उसमें बेहतरी लेके आते हैं। एक और खासियत, सीइंग प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द क्वालिटी ऑफ फीचर्स फीचर ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, के वो किसी भी मसले को एक अपॉर्चुनिटी के नज़र से देखते हैं और उसी से अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करने की कोशिश करता है। और लास्ट, अबाउट चेंजिंग द वर्ल्ड, एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योर्स ही है जो कि दुनिया की वो अभी जो अपेयरेंस है उसी को चेंज कर रहे हैं। तो इसको हम डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप की थोड़ी डिफिनेशन यहाँ पे दी गई है कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज एंड एक्शन विद द मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल्स। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो क्या क्या रिक्वायर होती है, क्रिएटिव आइडिया होनी चाहिए, ठीक है, और उसको थोड़ी एक बंदे में जो है मैनेजमेंट एंड लीडरशिप की स्किल, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। अगर ये लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स या मैनेजमेंट है तो फिर दैट बिकम डिफिकल्ट फॉर वन टू स्टार्ट एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि इसमें सारा सारी जो जिम्मेदारी होती है वो उसी बंदे की होती है जिसने ये बिजनेस लगाया होता है या जो भी इसने स्टार्टअप ली हुई होती है, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो जिस तरह की इस पिक्चर से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि एवरीवन वी हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज अराउंड अस, सम ऑफ देम आर ग्लोइंग, मतलब कि वो ऑलरेडी पिच है और वो काम कर रहे हैं और वो जो है और लोग उससे मुनाफा कमा रहे हैं, ठीक है। और एक इसी तरह का होती है कि जिस तरह का ये एक बंदा है वो एक न्यू आइडिया को जो है उसको यानी उसको फॉलिश और उसको उगाने की कोशिश कर रहा है, उसको पानी दे रहा है। तो इसी तरह का होता है कि जब आप स्टार्ट लेते हो तो इसी तरह एक न्यू आइडिया या एक न्यू स्टार्टअप जो है उसको कामयाब बनाने की कोशिश करते हो, ठीक है। अ पर्सन हु स्टार्ट बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। तो इसके लिए जो है जब आप स्टार्ट लेते हो तो नो डाउट आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क ये डिपेंड करती है आपकी जो जो आइडिया आप पिच करना चाहते हो, वेदर के इसमें फाइनेंशियल भी आपको रिस्क लेना सम टाइम पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ता है। और सम टाइम जो होता है बाज जब यानी दो किस्म के एंटरप्रेन्योरशिप होती है, एक होती है सर्विस प्रोवाइडर की और एक होती है प्रोडक्ट की। तो जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसके लिए फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, इस तरह का कोई एंटरप्रेन्योर न्यू आइडिया आप लेके आते हो जिसमें फाइनेंस का इतना रिस्क नहीं होता, लेकिन उसमें फिर भी टाइम रिस्क होता है क्योंकि आप उसमें जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करोगे, या तो पैसा या टाइम। तो उसमें इस तरह भी हो सकता है कि आपका वो वाला आइडिया फेल हो जाए और आपका अच्छा खासा टाइम जो है या मनी जो है वो लॉस यानी जाया हो जाए। अच्छा, ये भी एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो जो काम एग्जिस्टिंग जो वर्ल्ड ऑर्डर है या जो काम होते हैं उसको उसी तरह या उसमें कोई इनोवेशन लेके आते हैं, नए तरीके से उसको करते हैं। और जो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह होता है कि जितनी ज़्यादा आप इनोवेशन लेके आओगे और जितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए उससे कंफर्टेबल बनाओगे तो उतना ही वो आइडिया कामयाब होगा और वो एंटरप्रेन्योरशिप उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। फ्यू एग्जांपल,
आई वोंट गो इन टू डिटेल बिकॉज यू ऑल नो देम ऑल ऑफ देम वेरी वेल, सो आई विल स्किप दिस। ये लोकल टच दिया गया है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कि आप नॉट ओनली ही वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ होटलिंग एंड द अदर थिंग्स लाइक टूरिस्ट। अच्छा ये एग्जाम्पल्स को मैं थोड़ा स्किप करूँगा। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये थोड़ा आप अगर करीम का आइडिया ले तो इसमें अगर आप देखें तो एक बंदा जो है इसने खुद अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस इसने क्रिएट किया हुआ है। तो वही बात बनती है कि आपका आइडिया किस तरह का होता है। अगर आपका आइडिया बेस्ट है तो आपको फिर कम रिस्क में बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है। अच्छा लोग क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं? जस्ट लाइक वी हैव अर्लियर चलो स्टडीड इट इन दैट के लोग यही चाहते हैं कि वो अपने यानी मर्जी के साथ काम करे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करती है कि बी योर ओन बॉस, आप अपनी मर्जी से कुछ काम कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है मेन जो रीज़न होती है वो यही होती है कि आपको फाइनेंशियल सक्सेस हासिल हो और आप थोड़ा बहुत इससे कुछ कमाओ, पैसे कमाओ। तो यही मेन मकसद होता है। नेक्स्ट इसमें इस तरह के आप अपने आप को सिक्योर करना चाहते हो। ये यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी दी गई है कि ओवर द पास्ट 10 ईयर लार्ज लार्ज कंपनीज हैव एलिमिनेटेड मोर जॉब देन दे हैव क्रिएटेड। तो इसी तरह है जितनी टेक्नोलॉजी इन होती जा रही है तो जो फिजिकल सर्विसेज है उसकी जो मांग है वो कम होती जा रही है। यानी मेहनत टेक्निकल स्किल तो फिर भी जो है वो ठीक है, वो तो वक्त के साथ और उसकी ज़रूरत बढ़ रही है लेकिन जो लेबर है वो वाला काम थोड़ा कम पड़ता जा रहा है। और ये स्टेटमेंट अगर आप देख ले तो लास्ट जो 10 ईयर्स है इसमें ज़्यादातर कंपनी ने इतने जॉब प्रोड्यूस नहीं किए जितने उन्होंने एलिमिनेट किए। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आपको थोड़ी सिक्योरिटी भी फराहम करती है। अगर आपकी कहीं से जॉब चली जाती है या इस तरह की मुल्क अभी तो इवन गवर्नमेंट सेक्टर भी इतना सिक्योर नहीं है जिस तरह की आजकल के फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा है इन चीज़ों का। तो इस इन चीज़ों को यानी अपने आप को सिक्योर रखने के लिए जो है आप एक यानी जो आपकी बेसिक जो भी आप करते हैं जॉब करते हैं या जो भी है तो उसके साथ एक सेकंड इनकम इनकम सोर्स जो है आप जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। एंड वी शुड इनकरेज आवर स्टूडेंट एज वेल फॉर दैट। दिस ट्रेनिंग इज टोटली सपोज दैट वी विल डिलीवर ऑल दिस थिंग टू ऑल आवर स्टूडेंट एंड वी विल इनकरेज देम टू स्टार्ट यानी टू वर्क ऑन दिस थिंग। देखिए एक थोड़े मैंने बहुत इस तरह की कुछ चीज़ें देखी भी थी अपने अराउंड स्पेशली स्कूल में के बच्चे जो है उसकी तस्वीरें चलती थी कि लोग उससे जो है स्कूल साफ करवाते हैं, अपना ये चेयर साफ करवाते हैं। और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यहाँ पे मैं थोड़ा उस पर भी इतराज़ ये करूँगा कि वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे। ये इतना बुरा काम नहीं था अगर कोई अपना जो है जगह साफ कर रहा है या क्या, ये तो भी एजुकेशन का हिस्सा है। या अगर वो स्कूल में छोटा मोटा कोई गार्डनिंग वगैरह का काम करे तो ये ना मेरे ख्याल में दिस ऑल और पार्ट ऑफ लर्निंग सो वी शुड इनकरेज। और हमें जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्हीं को देखना चाहिए। आपने देखा होगा जो जापान के स्कूल होते हैं या इसी तरह कनाडा अमेरिका में ये बच्चे स्कूल को साफ भी कराते हैं, अपना जो है अपनी चीज़ों का ख्याल वगैरह सब कुछ करते हैं। तो आई थिंक दीज आर समथिंग दैट वी शुड अडॉप्ट। ठीक है। इसी तरह ये चीज़ें भी हमें जो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है इसमें अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें कुछ चीज़ें इस तरह है कि वो हमारे यहाँ जो है उसको इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा लेकिन वी शुड अडॉप्ट। हाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अच्छी हो जाती है जब आपका इन जो इनकम है वो बढ़ जाता है तो नो डाउट आपका जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी चेंजेस आ जाती है और लोग जो है वो ज़्यादा जो है यानी उसका क्वालिटी जो है वो बेहतर हो जाती है लाइफ की। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की जो करेक्टरिस्टिक है उसमें उसमें सबसे ज़रूरी जो है टॉलरेंस होना चाहिए इस बंदे में
कि वो टॉलरेट कर सके, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप सर्विसेज प्रोवाइड या प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो लेट सपोज आपने कोई चीज़ बेचनी है वो रिलेटेड टू फूड है या वट एवर, तो सम टाइम आपको कुछ जो जो क्लाइंट होते हैं उनसे इस तरह की जो यानी आप में टॉलरेंस होनी चाहिए, वो ज़्यादा यानी आपको बातें भी सुनवा सकते हैं या इस तरह के, तो उसके लिए आपने तैयार रहना होता है और आपने जो है पेशेंस शो करनी है, ठीक है। थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपने अपने गिर्दो नवा में या जो आपके कंपटीटर्स है उनको देखना है और आपने अपनी सर्विसेज को है उनसे बेहतर बनानी है, तो तभी जाके आपका जो बिजनेस है वो कामयाब होगा। एप्टीट्यूड स्किल फॉर एचआर ये होनी चाहिए, क्योंकि आपने एम्प्लॉयज और कस्टमर को मोटिवेट करना है, दोनों को मोटिवेट रखना है। आपका जो स्किलफुल एम्प्लॉयज़ है वो भी आपने साथ लेके चलना होता है और दूसरा कस्टमर को भी आपने जो है इंगेज रखना होता है, ठीक है। और सप्लायर्स के साथ भी आपने निगोशिएट करना होता है और लेंडर्स जो होते हैं जितने भी आपने यानी सारे जो स्टेक होल्डर्स है उन उसको आपने लेकर चलना होता है और सभी को मैनेज करना होता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके स्किल सेट जो है वो अच्छी हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द स्किल दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, वेदर यू आर अ टीचर, वेदर यू आर फ्रीलांसर, वेदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। इसके भी बहुत ज़्यादा इस पे खुद से एक सेशन रखी जा सकती है कि किस तरह हमने अपनी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट या बेटर करनी है, ठीक है। टेक्निकल एबिलिटीज जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्निकलिटी है उस वो आप इसमें बेस्ट हो, तो तभी जाके आपको ज़्यादा जो है उसमें कामयाबी मिलेगी। रिस्क टेकर नो डाउट, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो आप एंटरप्रेन्योरशिप में एक जो है कामयाब भी नहीं हो सकते, एंड इट इज़ एडवाइजेबल अगर आप रिस्क नहीं ले सकते तो काइंडली आप एंटरप्रेन्योरशिप को अडॉप्ट भी न कीजिएगा, क्योंकि ये इस तरह का है एक फील्ड है कि इसमें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, डेली बेसिस पे आते हैं, वीकली पे आते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो इफ यू हैव प्रॉब्लम एंड यू कैन टेक रिस्क, सो यू नीड टू अवॉइड टू बी एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसमें परसेप्टिवनेस होनी चाहिए, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम इज एन अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा एक सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तभी अगर ये चीज़ें जो है वो कैच कर सकता है और एक प्रॉब्लम जब जनरेट हो जब आती है तो उससे वो अगर उस वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है तो वो इसको यूटिलाइज करेगा और उससे बहुत ज़्यादा मुनाफा हासिल करेगा, ठीक है। जिस तरह की ये हमारे हमने बहुत सारे इस तरह के देखे हैं अपने लाइफ में, अभी कोरोना में जो आए थे तो जो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने जो मास्क वगैरह की जो बिजनेस थी उस क्विकली उस उन्होंने अडोप्ट की, या दूसरे जो हाईली इन डिमांड मेडिसिन थी उस टाइम तो उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा जो है यानी इनकम जो है इससे जनरेट किया था। एन एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी क्यूरियस, क्योंकि जब वो क्यूरियस होगा तो तभी जाके उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है या लर्निंग जो नॉलेज है वो ज़्यादा होता जाएगा, और ये दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड नीडेड फॉर टू बी एन एंटरप्रेन्योर। इमेजिनेटिव होना चाहिए, ठीक है, कि किस तरह वो प्रॉब्लम को किस तरह अपने लिए आइडेंटिफाई करेगा, फिर उसकी जो प्लानिंग एंड सोल्यूशन सब कुछ सारा कुछ उसकी एबिलिटी इसमें होनी चाहिए। परसिस्टेंट होने चाहिए, मिस्टेक करे, क्रिटिसिज्म रिसीव करे, जो मनी डीलिंग है सारा कुछ, और दूसरा अगर उसको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो इस इन चीज़ों को पर डील करे, और इस तरह ना हो अगर उसको कुछ मसला आता है तो वो फिर यानी उसका दिल टूट जाए और वो फिर जो है उस चीज़ को यानी उसको पर इस इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। गोल सबसे पहले सेट करना चाहिए,
एंटरप्रेन्योर आर मोटिवेटेड टू सेट गोल्स फॉर दियर न्यू बिजनेसेस, कि मैंने अपनी बिजनेस जो है वो कहाँ पे लेके जानी है, तो उसके लिए वो उसको यानी उसकी कोशिश में रहें और उसको वहाँ तक ले जाने में अपना जो सारा एनर्जी है वो इस्तेमाल करें, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं है आपके अपने काम के बारे में, और ये चीज़ें वो होती है इस पे जो स्टार्ट लेने से पहले अपने होमवर्क करता होता है। इस तरह नहीं है कि आपने कुछ होमवर्क नहीं किया, आपने अपने आपको रेडी नहीं किया और आप यूं ही कहे कि बस मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हूँ और मैं सब कुछ सीख भी लूँ। नहीं, आपने किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करने से पहले ये सारा होमवर्क करना चाहिए, और जो सारा प्लस एंड माइनस है, ऑड्स एंड इवंस है, उसको देख के फिर पहले वो चीज़ें एनालाइज करें, फिर जाके स्टार्ट ले, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मसाइल आ सकते हैं इस तरह के, उससे यानी उसकी बिजनेस उससे रिक्वायर करती है। टाइम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी जो है जो इन्वेस्टमेंट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, बहुत सारे जो इससे एलिमेंट होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, उन सबको मद्देनजर रखना चाहिए, ठीक है। डिसीजन में इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इस तरह का हो कि वो डिसीजन ले सकता हो। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक मैनेजर भी होता है, वो लीडर भी होता है, तो बाज़ लोग उसमें ये हामी होती है कि वो इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकता और फैसला करने में, फैसला साजी में उसको मसाइल होते हैं। तो जो लोग डिसीजन नहीं ले सकते उसके लिए भी ये चीज़ जो है वो करामत नहीं है, और वो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं बन सकते, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप के फवाद क्या है, तो फवाद में बीइंग एन एंटरप्रेन्योर मीन्स यू गेट टू बी योर ओन बॉस। तो ये इसमें जिस तरह की फ्रीलांसिंग में हमने कहा था, तो इसमें भी इस तरह के फायदे हैं जिस तरह के फ्रीलांसिंग में है। अच्छा, इसमें ये भी है कि जो गोल जिंदगी इस तरह होता है कि जो बाज लोग इस तरह के होते हैं कि मैं जिंदगी में यहाँ पे पहुंचना चाहता हूँ या मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, लेकिन जो दुनिया की करवट है वो उसको उसी तरफ नहीं लेके जाती, बल्कि उसकी जो 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 प्रोफेशन होती है वो भी अगर वो भी चेंज हो सकती है। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो आप अपना गोल भी खुद सेट कर सकते हो और उसको हासिल करने के लिए भी अपनी कोशिश फिर कर सकते हो। तो ये चीजें जो है इसमें जो इसके एडवांटेजेस है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो होता है कैन डिस्कवर हु रियली दे आर, वो यानी जो भी उसकी जो कहते हैं ना जो जिसके लिए वो बना होता है, तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो अपनी उस चीज को जो है वो प्रैक्टिकली वो अपने आप को साबित कर सकता है कि आई वॉज बॉर्न फॉर दिस, और वो चीज़ जो है हासिल कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो जो मसाइल एंटरप्रेन्योर्स को आते हैं उनमें सब ये है कि पेड अप डेली इश्यूज लाइक ऑफिस पॉलिटिक्स, वो लोग जो ऑफिस यानी कौन से लोग कौन से ऐसे लोग